प्रथम गुरु को वंदना कोटि कोटि परिणाम कीर्तन जाने भंग का गुरु कर ले आप समा कर ले आप समा फंद काटे भव जाल का काटे काटे पहुंचा दे अमर लोक में जहां दाव न लागे काल का भाई योगेश जी बहुत पुराना प्रेम है नमो नमो मेरे माता पिता जिन से रचा शरीर नमो नमो गुरुदेव ने मेरा किया भजन में सी चौरासी लाख योनियों में ये जीव भटकता है। डिस्कवरी में जितनी भी हम देखते हैं ना ये सारे जानवर नए नए रोज ये सब बन बना के आए हुए हम लास्ट में ये नंबर है। परमात्मा ने एक मौका दिया कि भाई तुझे मनुष्य जन्म मिला है, अगर गुरु की शरण में चला जाएगा तो परमात्मा को पालेगा। जैसे मुकदमा लड़ने के लिए वकील चाहिए उसी प्रकार भव से पार होने के लिए गुरु महाराज चाहिए। बिना गुरु के मजहब चाहे कौन सा भी हो मोक्ष नहीं हो सकता जीव का कभी भी, चाहे कौन सा भी शास्त्र उठा के देख लें आप। तो राजा मान सिंह जी अपने गुरु महाराज की उपमा कर रहे हैं, शोभा कर रहे हैं। देखी जो सूरत आपकी अरे माने तू जो नयावे दाई जी गुरु बेटी मन की कल्पना सूरत आपकी गुरुजी माने दूजो नहीं आवे दाई जी गुरु मेटी मन की कल्पना माने प्रेम प्यालो पाई जी। सजनो कहवे सगड़ा ये कि मैं राम को नाम लेवा मगर गुरु महाराज एक शब्द दिया के बिन राम को नाम क्या करे ये सीधा राम राम शुरू जवानी आप की फटवाड़ो को नहीं है। गुरु महाराज को शब्द देवे वो राम जी को नाम है बे कह दियो ने कि गोचो गोचो करो तो वो गोचो ही अपने लिए राम है। ई वास्ते आदमी ने नुगरो नहीं रहनो प्रयास करनो। बाकी गुरु महाराज भी बहुत मोटा भाग हुए जद मिले नहीं तो मिले नहीं क्योंकि मेरा भाई एक भजन में कहो कि सतगुरु ढूंढने में गई कर जोगण को भेष गिनता गिनता जुग भया आ गया धोला। Yes.
बहुत मुश्किल मिले गुरु महाराज। तो केवे आगे 84 को जीवड़ो, 84 को जीवड़ो, ओ 84 में जाई रे, 84 को जीवड़ो, 84 में जाई जी, कृपा भई गुरुदेव की, कृपा भई गुरुदेव की, मारी जानकारी पकड़ी को जीवड़ो 84 में जाए थी, यानी कुछ बल्ले भी पढ़नो चीज है कि आपा कयो काई है, सुन बाड़ा काई सुन रहे हैं, काई समझ रहे हैं। आज योगेश जी कहते बहुत अच्छा अच्छा कलाकार भाई मनोज जी पुजारी कानपुरी जी बिहारी भाई जी और भी किशन भाई बहुत अच्छा अच्छा कलाकार पधारे हैं, बढ़िया बढ़िया वंदना प्रस्तुत करी है। सजनों प्रेम सबसे बड़ी चीज है, परमात्मा को पाने के दो ही रास्ते हैं, या तो प्रेम या ध्यान। तो ध्यान तो योगी कर सकते हैं, हम गृहस्थी नहीं कर सकते। अपना तो प्रेम है और हर आत्मा में परमात्मा है, आप सब में भी है, मेरे में भी है, बाहर जो कोई जानवर घूम रहा है उसमें भी है, जल थल नभ जीव चराचर सब में परमात्मा का अंश है। मगर बिना गुरु के भव सागर तिरना बहुत मुश्किल है। तो राजा मान सिंह जी ने कहा 84 को जीवड़ो, 84 में जाए जी, गुरु नहीं मिले जना, और कृपा भई गुरुदेव की, तो मां की जाता की पकड़ी बाह जी, यानी हाथ पकड़ लियो, नहीं तो भव सागर में बह जाता, यानी पाचा 84 में चला जाता। सजनो मोक्ष की ने कहो है, जकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, पाची 84 में जन्म नहीं लेवे कभी बिना मोक्ष की। फिर के बे बाह पकड़ी गुरु बारे लियो, एक अच्छो और एक बुरो, दो कर्म है, कुमति और सुमति। कुमति में आदमी ऊंधा काम करे, उन्हें आदमी की शक्ति बढ़ जावे तो वो नरक ने जगह कर ले, और सुमति आ जावे तो वो संता के शरण में चलो जावे, भव सागर पार हो जावे। बां पकड़ गुरु बारे लियो, माने गोदी लियो बिठाई जी, दृढ़ सो चेतन कर दियो, माने हिवड़ा से
लिपटा है। और गुरुजी मिले थे राजा मान सिंह जी के, मैंने कितनी खुशी हुई। पतिव्रता ने पीवी लिया छोटे बच्चे ने जिया मां मिल जावे वो रोतो हुए और मां गोदी में ले ले तो बिने कितो आनंद मिले। और भूखे ने भोजन मिलिया, पांच चार दिन को भूखो है मुनेंद्र भाई जी, बिने भोजन मिल जाए तो बाकी काई देवे। जिया माने सतगुरु मिलिया आई जी, गुरु मेटी मन की कल्पना माने प्रेम प्यालो पाई जी। फिर के राजा मान सिंह जी सतगुरु मिलिया और मैं चरणा चित लिपटायो जी। और मान मने सतगुरु मिलिया मैं चरणा चित लिपटाई जी, सिमरत तो निर्भय भया। और दसवां सन्मुख जाए जी, दसवां काई चीज है, आपने शरीर में दस दरवाजा है मगर सजनों नो तो खुला है पर दसवां हटे नहीं होई के ऊपर एक मोटो सारो तालो ठोकेड़ो है। जको खुले हूं ब्रह्म ज्ञान होए वो कुण करावे गुरु महाराज, और ओ जते नहीं खुले नहीं जिते मोक्ष वाली बात होए कोई। तो राजा मान सिंह जी के सिमरत तो निर्भय भया, अब मैं तो दसवां सन्मुख जाय जी। गुरु मेरी मन की कल्पना